अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये मेरा बेटा है और ये बता रहे हैं कि मैं नानी के घर जा रहा हूँ। आज ये बहुत खुश लग रहे हैं। दिन के खाने में मैंने बनाया था ये मटन करी, पर इसको बनाते टाइम मैं अपना वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, तो आगे जब मैं बनाऊँगी तो मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी। मटन का सालन बन चुका था, उसके बाद इसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। सुबह इतने काम हो जाते हैं कि बच्चों को संभालना और उसके साथ घर की भी सारी जिम्मेदारियाँ संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आटा गूंद कर मैं सुबह में ही रख लिया था और इसकी मैं कुछ रोटियां बना कर रख जाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज मुझे जाना है अपनी अम्मी के घर और मैंने अपना ये बैग पैक कर लिया है। इसमें मुझे जो मेरा सामान, वॉलेट मेरा और फ़ोन और चार्जर वगैरह मैंने सब पहले से ही रखा हुआ है, और ये हैं अली के बुक्स, उनको वहाँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ भी जाकर ये सिर्फ खेलते ही हैं पढ़ने के लिए, इसलिए मैं बुक्स ले जा रही हूँ वहाँ पर। और मैंने नकाब को अपने पहले से ही प्रेस करके रख लिया था, ये मेरा नकाब, इसको मैं प्रेस करके रख चुकी हूँ। और इसके साथ है ये वाला स्टॉल, ये जो मुझे अभी मैं कुछ ही दिन पहले मार्केट से लाई हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। देखिए ये पीच कलर का है और कॉटन का है, जो समर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ आज मैं ये बैंगल्स पहनने वाली हूँ, आजकल ये बैंगल्स काफ़ी ट्रेंड में हैं और इस तरह की चूड़ियाँ मुझे पहनना पसंद है। और ये देखिए मैं रेडी हो चुकी थी, रेडी हो चुकी थी और मैंने आज वेयर किया था कॉटन का ये पर्पल कलर का सूट, जो समर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं ज़्यादा हैवी सूट्स पहनना पसंद नहीं करती हूँ और ये है कॉटन सूट, अभी मैंने अपने खुद से स्टिच किया हुआ है इसको। और ये मेरा देखिए ये तैयार होकर बैठे हुए हैं, कह रहे मम्मा कब चलोगी, बहुत देर से ही मुझसे पूछ रहे हैं। हाय कर रहे हैं, आप लोग भी जवाब दीजिए। ये देखिए मेरा बेटा मुझे बार बार पीछे से झांक रहा है, ये मेरी सैंडल्स हैं। अब मैं निकलती हूँ घर से अपने, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए रास्ते को हम लोग कवर करते हुए क्योंकि जा रहे हैं आगे, क्योंकि रिक्शा हम लोग को आगे चौराहे पर ही मिलता है, हम लोग को थोड़ी दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है रोड क्रॉस करके उस साइड जो आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग बैठ चुके थे अपने रिक्शे पर और अपने सफ़र की तरफ निकल चुके थे। ये देखिए रास्ते का नज़ारा, दिन में गर्मी तो बहुत हो रही है पर आज कुछ गर्मी कम थी हमारे यहाँ। और ये देखिए रास्ता बिल्कुल अच्छा सा, और ये है एक मज़ार, ये देख पा रहे हैं हम मज़ार। और हम लोग घर पहुँच चुके थे, उसके बाद जाना था मुझे अपनी बेटी के प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान लेना था, तो मैं अपनी बहन के साथ वही लेने जा रही थी। और ये मेरी अम्मी की तरफ का, घर की तरफ का सारा एरिया है। और मैं पहुंचने वाली थी दुकान पर, स्टेशनरी का कुछ सामान लेना था जो उनका स्कूल में समर वेकेशंस के लिए जो होमवर्क मिला था। और ये मुझसे कर रही थी थोड़ी सी छेड़खानी कर रही थी, ये पेंस, ये है स्टेशनरी की शॉप है जहाँ से मैंने कुछ पेन लेने थे, मार्कर लिया, पेन लिए। ये है सारी स्टेशनरी का सामान जो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत है और इसको लेकर मैं घर आ गई थी। ये देखिए ये दो चार्ज पेपर हैं, एक पिंक कलर का और एक स्काई ब्लू कलर का, जब मैं इसमें प्रोजेक्ट्स बनाऊंगी तो आपको शेयर करूंगी। ये है फादर डे के लिए कार्ड बनाना था, ये मैंने रेड कलर का चूज़ किया और इसमें देखिए क्या क्रिएटिविटी करके जब ये बन जाएगा मैं आपको दिखाऊँगी। और ये है सीजन्स का चार्ट पेपर जिसको हिंदी के प्रोजेक्ट्स के साथ सबमिट करना है, और मैं इसको अभी बनाने वाली हूँ और मैं आपको बनाकर अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये है फेविकोल जो मैं